अगली खबर है रीवा जिले से, जहां मैदानी के समीप शिवाजी नगर में शारदा देवी का भुइयां माता मंदिर तकरीबन 100 वर्षों से ज्यादा पुराना मंदिर स्थापित है, जहां पर भारी तादाद में भक्तों की भीड़ लगती है। भक्त आते हैं, अपनी मनोकामना मांगते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। कई बार भक्तगण अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए माता के चरणों में अपनी जीभ तक चढ़ा देते हैं। एक ऐसा ही ताजा मामला आज देखने को मिला है। आज सुबह एक महिला तकरीबन 5 बजे के आसपास माता के दरबार में गई और वहां पर उसने अपनी जीभ चढ़ा दी। कुछ लोगों के द्वारा देखा गया तो आनन-फानन में पुलिस प्रशासन और एम्बुलेंस को सूचना दी गई, लेकिन जब प्रशासन और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची तो स्थानीय लोगों के द्वारा प्रशासन को उल्टे पैर वापस लौटा दिया गया। स्थानीय लोगों ने कहा कि हमारी माता ही समस्या का समाधान करेंगी। स्थानीय लोगों के द्वारा तुरंत भजन कीर्तन शुरू कर दिया गया और भक्तों का कहना सच हुआ। तकरीबन 4 घंटे बाद महिला की जीभ वापस आ गई और वह होश में आ गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि माता के दरबार में जो भी आज तक गया है खाली हाथ वापस नहीं लौटा है। यह बहुत ही प्राचीन और पुराना मंदिर है, लोगों के आस्था का केंद्र बना हुआ है। यह मंदिर दुआरी मैदानी शिवाजी नगर और कुछ ऐसे लगे हुए मोहल्ले हैं जहां के लोगों की यह मंदिर कुल देवी का मंदिर है। Yeah.
रानी देवी जी का मंदिर है। ये लगभग 100 साल से भी ज़्यादा पुराना प्राचीन मंदिर है। इसके बारे में ये कहा जाता है कि जब यहाँ पर तुर्क सेना पड़ी हुई थी राजतंत्र में, उस समय तुर्क सेना में जो हिंदू सैनिक रहा करते थे, उन लोगों ने माता की प्रतिमा की स्थापना किया है, ऐसा इसका इतिहास है। और लगभग 100 साल से यहाँ पर माता की ये प्रतिमा स्थापित है। ये दुआरी, खैरी, पडरा और शिवाजी नगर मैदानी यहाँ के लोगों की कुल देवी हैं और काफ़ी प्राचीन जो है मंदिर है और इनकी बड़ी महिमा है माता की। कितनी आस्था है भक्तों की यहाँ पे? यहाँ पर अपार आस्था है माता की। यहाँ पर जो लोग जो अपनी मुरादें लेके आते हैं उनकी सबकी मुरादें पूरी होती हैं और माता के चरणों से जो भी प्रार्थना करते हैं उनको सब कुछ मिलता है, सभी की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आज एक बंसल परिवार की महिला है, राजकुमारी बंसल उनका संभवतः नाम है, और सुबह 5 बजे के आसपास जब मंदिर खुला है उसी समय वो आई हैं और उन्होंने आकर के यहाँ पर माँ को अपनी जो है जीप चढ़ा दी थी। जब भक्तों का आना जाना हुआ, यहाँ पर लोग आए तो देखे कि उनके मुंह से खून का प्रवाह हो रहा था, ब्लड निकल रहा था। चूँकि कुछ नए लोग थे, इस घटना को देख करके उनको थोड़ा सा संशय हुआ कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए, तो तुरंत प्रशासन को सूचना दी गई, पुलिस प्रशासन को सूचना दी गई, एम्बुलेंस को सूचना दी गई और प्रशासन भी यहाँ आ चुका था, एम्बुलेंस भी आई थी। लेकिन माँ के चमत्कार देखिए, माँ की कृपा देखिए कि जो बंसल परिवार के लोग थे उन्होंने कहा कि हमारी माँ पे जो है विशेष आस्था है और हम चाहते हैं कि थोड़ा सा हमें समय दें और माँ की चरणों की कृपा होगी तो उसको पुनः जीव उसको मिल जाएगी। माँ के चरणों की कृपा से उस महिला को, वो उस भक्त को जिसने माँ के चरणों में इतना बड़ा समर्पण किया, उसको जीव जो है मिल गई है और वो सकुशल माँ के दर्शन कर रही है, स्वस्थ है, बिल्कुल मंदिर परिसर में है, अभी माता जी के वो दर्शन कर रही हैं और भगत का कार्यक्रम चल रहा है। हमारे जो दुआरी गांव के लोग हैं वो सब भगत का आयोजन किए हुए हैं। मेरा नाम अरुण तिवारी है, मैं पैसे से अधिवक्ता हूँ। हमारे साथ ही आई थी, हमने ये तो हमको पता नहीं थी ये जीप चढ़ाने वाली है क्या करने वाली, जैसे सब श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने के लिए, हमारे समझ में आई ये भी दर्शन करने आई है। हमने माता का श्रृंगार चढ़ाया, आरती किया, चला गया, घर चला गया। घर जाने के बाद ये पता चली कोई महिला ने जीप चढ़ाई है। यहाँ प्रशासन सब आए थे, एम्बुलेंस भी आई, लेकिन ये हुआ तो भी वो बंसल समाज के लोग बोले हमें हमको थोड़ी समय दीजिए, अभी तो हुआ है और हो गया। थोड़ी देर बाद प्रशासन के जाने के बाद माता रानी ने उनको जीत दे दिया, अब ठीक हैं, स्वस्थ हैं, आप भी जाके दर्शन कर सकते हैं माता। एक बार नहीं हुआ है, ये कई बार हुए हैं, हमेशा होता रहता है, जो भी पूरी हो जाती है अगर सच्चे हृदय से, सच्चे मन से, मन सच्चा है, जो मागन मांगा है तो माँ के दरबार में उसका मागन पूरा हुआ है। कौन सी माता मंदिर का है? ये शारदा माँ का मंदिर है, महाकाली का मंदिर है, माँ रानी भुइयां का मंदिर है, काल भैरव महाराज हैं। क्या नाम है? हमारा नाम है विजय कुमार सेन।